झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच यूपीए खेमे के विधायक जो रांची से रायपुर शिफ्ट हुए थे वो देर शाम रविवार को रायपुर से रांची पहुंच चुके हैं और परिसदन भवन में तमाम जो यूपीए खेमे के विधायक है वो इस वक्त मौजूद है। लेकिन अभी की सबसे बड़ी अपडेट बताएंगे कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त परिसदन भवन पहुंचेंगे और तमाम यूपीए खेमे के विधायक को परिसदन भवन से सीधा विधानसभा की ओर लेकर जाएंगे। चूंकि आज विशेष विधानसभा सत्र आहूत की गई है जिसको लेकर तमाम यूपीए खेमे के विधायक राजधानी रांची पहुंचे थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ रविवार को उनकी एक छोटी सी बैठक रखी गई थी, एक रणनीति तैयार की गई थी कि आखिर सदन के पटल पर क्या कुछ मुद्दा उठाया जाएगा, साथ ही साथ किस तरीके से बहुमत पेश किया जाएगा। चूंकि आप सभी को याद होगा कि जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया को संबोधित कर रहे थे उन्होंने सीधे शब्दों में कहा था कि अगर हम लोग बहुमत पेश नहीं करेंगे तो क्या विपक्षी बहुमत पेश करेगी। लेकिन एक बार हम आपको सीधा हलचल दिखाने की कोशिश करेंगे अंदर की कि किस तरीके से हलचल जो है परिसदन भवन की वो फिलहाल बढ़ चुकी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तमाम यूपीए खेमे के विधायक इस वक्त परिसदन भवन में मौजूद है और थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परिसदन भवन पहुंचेंगे और तमाम यूपीए खेमे विधायक को यहां से सीधा विधानसभा लेकर जाएंगे। ये आप जो सीधी तस्वीर देख रहे हैं वो परिसदन भवन के अंदर की है जहां पर तमाम जो बसें हैं वो लगी हुई है। दो बस आपको जरूर देखने को मिल रही होगी, इसी बस में कल यूपीए खेमे के विधायक बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से परिसदन भवन पहुंचे थे, वो भी हम आपको लगातार लाइव दिखा रहे थे और अभी भी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि ये दो बस लग चुकी है और ठीक थोड़ी देर के बाद यूपीए खेमे के तमाम जो विधायक है मंत्री है इसी दो बस में सवार होकर यहां से विधानसभा जाएंगे। चूंकि आज विशेष विधानसभा सत्र आहूत की गई है, कई प्रमुख मुद्दे को सदन के पटल पर रखी जाएगी, साथ ही साथ बहुमत भी वहां पर पेश किया जाएगा सरकार की ओर से। इससे पहले हम आपको बता देंगे कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस फिलहाल दिल्ली दौरे में है और राजभवन के द्वारा जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि राज्यपाल फिलहाल निजी कार्य से दिल्ली गए हैं लेकिन राजनीतिक चश्मे से भी फिलहाल देखा जा रहा है। चूंकि तमाम लोगों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ राजभवन में टिकी हुई है कि आखिर क्या कुछ फैसले निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर जो मामले हैं उसको लेकर अभी भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है और आज विशेष विधानसभा सत्र आहूत की गई है तो कई प्रमुख मुद्दे को यहाँ पर उठाया जाएगा। जिस तरीके से आपको बता देंगे कि तमाम यूपीए खेमे के जो विधायक हैं मंत्री हैं वो रांची से रायपुर शिफ्ट हुए थे लेकिन जब कैबिनेट की बैठक 1 सितंबर को रखी गई थी ठीक उससे एक दिन पहले 5 मंत्री राजधानी रांची पहुंच चुके थे और उनका कहना था कि 1 सितंबर को कैबिनेट की बैठक है और जनता हमें चुनकर लाई है तो जनता का कार्य करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन जिस तरीके से जब कैबिनेट की बैठक खत्म हुई ठीक उसके बाद 2 मंत्री राजधानी रांची से रायपुर की ओर रवाना हो गए थे, उसमें बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख मौजूद थे, दोनों यहां से सीधा रायपुर जा चुके थे और कल तमाम यूपीए खेमे के विधायक राजधानी रांची पहुंचे थे और लगातार विक्ट्री के साथ साथ हाय और हेलो का भी शाइन लगातार जो विधायक है वो दे रहे थे। न्यूज बायस्कोप लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही थी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लेकर परिसदन भवन तक और आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं परिसदन भवन के अंदर की जहां पर हलचल थोड़ी देर के बाद तेज हो जाएगी क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इंतजार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थोड़ी देर के बाद परिसदन भवन पहुंचकर तमाम विधायकों को अपने साथ सीधा विधानसभा लेकर जाएंगे। तो ये लगातार तस्वीर आप देख रहे हैं परिसदन भवन की, क्योंकि झारखंड की सियासत में बेहद हलचल देखने को मिल रही है। लगातार लोगों के मन में सिर्फ यही सवाल है कि आखिर आगे क्या कुछ होगा और आज झारखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज विशेष विधानसभा सत्र आहूत की गई है, क्या कुछ मुद्दा सदन के पटल पर रखी जाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ तमाम जो यूपीए खेमे के विधायक है वो बहुमत पेश करेंगे विधानसभा के परिसर में, इसको लेकर भी तमाम यूपीए खेमे के विधायकों की एक छोटी सी बैठक रखी गई थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ, क्योंकि जब भी विधानसभा सत्र आहूत की जाती है ठीक उसे एक दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ तमाम यूपीए खेमे के विधायकों की बैठक रखी गई थी और रणनीति तैयार की
की गई थी कि आखिर क्या कुछ सदन के पटल पर रखी जाएगी, बहुमत किस तरीके से पेश किया जाएगा। अब ठीक थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परिसदन भवन पहुंचेंगे, हम आपको लगातार तस्वीर और अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, मेरे कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 स्कोप रांची।